Hello guys, I am Pawan from Karelon Care Amritsar. Today we will discuss the topic inequalities. तो बेटे जैसे कि आपने inequalities का topic already पहले बेटे classes में भी offline classes में भी और online class में भी आपको clear कर दिया गया। अब बेटे देखो जो आज की class है जिसमें बेटे मैं quiz discuss करूँगा जिसमें बेटे 6 question थे जो मैंने आपको send करे थे group में। Hope आपने बेटे participate भी आप करोगे। तो बेटे उसमें क्या है कि basically जो मैंने question group में आपको circulate किए हैं वो देखो सिंपल क्वेश्चन है जो हम क्लासेस में ऑलरेडी करते थे। क्लियर। अब देखो इसमें बेटे क्या है कि अंडररूट वगैरह जैसे आप देखोगे सम प्लस समथिंग आ रहा है तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज इन इजी वे आज बेटे हम वो करेंगे। क्लियर। तो देखो बेटे आपको पता है कि कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो उसमें 5 क्वेश्चन तो बेटे आने हैं। अगर प्रीलिमिनरी में नहीं आएंगे तो मेंस में तो पक्का हमें दिखेंगे। हमें पता कि क्वेश्चन क्या आता है जिसमें एक बेटे x की फॉर्म में दिया था हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बेटे y की फॉर्म में दिया। क्लियर। और बेटे 5 ऑप्शन होती हैं, इसमें से बेटे मैंने अपनी ऑप्शन बतानी होती है कि इनमें से ऑप्शन कौन सी है। मैं एक बार ऑप्शन बेटे डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है बेटे अगर y के दोनों रूट x से ज़्यादा होंगे तो x के रूट से ज़्यादा वैल्यू होगी तो बेटे क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन। अगर बेटे y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू बेटे x होगा तो ये सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बेटे अगर x ग्रेटर देन y हो तो। फोर्थ ऑप्शन अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। फिफ्थ ऑप्शन बेटे कहते हैं जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसमें बेटे क्या है। फिफ्थ ऑप्शन बेटे आप कब पिक करोगे जब रूट ऑफ x और रूट ऑफ y बोथ हर बेटे क्या हो इक्वल हो, जहाँ बेटे क्या हो रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाए कि एक रूट x का ग्रेटर था दूसरा y का ग्रेटर था, तो इस केस में बेटे हम कौन सा ऑप्शन पिक करते हैं फिफ्थ ऑप्शन बिकॉज इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड योर टाइम। क्लियर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटे क्विज का ये वाला। अब देखो भाई ये था एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स अंडर रूट थ्री एक्स माइनस 48 वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू वाई माइनस 24 इक्वल्स टू जीरो। तो फर्स्ट स्टेप बेटे सभी का वही है कि सबसे पहले तो बेटे आपने इस लास्ट वाले टर्म को सी को इसके वेरिएबल के साथ बेटे जो भी इसका कॉन्स्टेंट है उसके साथ बेटे आपने मल्टीप्लाई करना होता है। देखो बेटे कुछ भी नहीं है तो वन है, कुछ भी नहीं तो अगर बेटे वन तो है ये। अब देखो 48 इंटू वन करोगे पहला काम तो बेटे क्या हो गया कि आपको बेटे क्या रिजल्ट आ गया माइनस 48। अब आपने करना क्या है ठीक है मैं ये भी साथ साथ बताता जाता हूँ। माइनस 24 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो बेटे क्या रिजल्ट आया माइनस 24। स्टेप बाय स्टेप बेटे समझना सिंपल है। उसके बाद बेटे आपने क्या करना है ये जो माइनस 48 आपका आया है इसको बेटे आपने किससे डिवाइड करना है ये एक्स के साथ जोन सा भी बेटे अंडर रूट वाली टर्म होगी वाई के साथ जोन सी भी अंडर रूट वाली टर्म है सिर्फ उसी के साथ बेटे इसको डिवाइड करना है। देखो इसके साथ नहीं सिर्फ अंडर रूट, ये अगर ये अंडर रूट थ्री है तो सिर्फ इसी के साथ। क्लियर। अब देखो जब मैं अंडर रूट थ्री के साथ इसको डिवाइड करूंगा तो ये बेटे देखो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ इतना तो बेटे आपको पता होना चाहिए 16 इंटू 3 बेटे क्या होता है 48 होता है। अब देखो 3 को बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई बेटे क्या अंडर रूट थ्री अंडर रूट से अंडर रूट थ्री कट गया मेरे पास बेटे क्या आ गया माइनस 16 अंडर रूट थ्री। क्लियर। इसमें बेटे आपको बता देता हूँ 24 को अंडर रूट टू से करते तो ये बनता बेटे 12 इंटू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू डिवाइड बाई बेटे क्या अंडर रूट टू अंडर रूट से अंडर रूट कट हो गया ये बेटे मेरे पास क्या आ गया। तो पहला काम तो बेटे यही है मैं दोबारा बेटे रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आगे वाले में आपको इजी लगेगा स्टार्टिंग में बेटे थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए। सबसे पहला काम वो ये कि सी को बेटे ए से मल्टीप्लाई किया जो रिजल्ट आया उसको बेटे आपने अंडर रूट वाली टर्म के साथ डिवाइड करना है और देखना मेरे पास रिमेनिंग क्या बचता है। इसमें मैंने वो करा। अब देखो आपने नई इक्वेशन बनानी है वो इक्वेशन क्या है देखना बेटे। अब उसमें आपने क्या बेटे करना है इलिमिनेट रिमूव कर देना अंडर रूट थ्री सारा। देखो अब इस ये क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ ये बेटे एक्स स्क्वायर अब अंडर रूट थ्री बेटे नहीं लिखना सिंपल जो था वो लिख देना 6x। अब इसकी जगह बेटे 48 लिखना 48 की जगह बेटे क्या लिखना है माइनस 16 जो भी है तो बेटे मैं यहाँ पे ये लिखूंगा इक्वल टू बेटे क्या 0। मैंने बेटे क्या करा अंडर रूट थ्री को हटाने के लिए इस फॉर्मेशन को हटाने के लिए मैंने ये सारा काम करके ये इक्वेशन तैयार करी। क्लियर। इसमें बेटे मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर अब अंडर रूट टू नहीं आएगा माइनस वाई अब 24 नहीं आएगा 24 की जगह बेटे मैं क्या लिखूंगा 12 लिखूंगा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटे इतनी बेटे जब टर्म मेरे पास आ गई ये तो वही बन गया जो मेरा लास्ट में क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूँ। अब देखो बेटे क्या करना है
कि इसके बेटे मुझे इजीली रूट फाइंड करने आने चाहिए, क्लियर। अब मैं आपको बताऊँ, शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, सिंपल अभी के लिए बेटे मैं रूट लिख दूंगा, अगर आपने फाइंड करने होगा तो फाइंड कर लेना। एक मैं बता भी देता हूँ जनरल मेथड, शॉर्टकट नहीं बेटे अभी बताऊंगा क्योंकि टाइम बेटे कम। देखो बेटे, माइनस माइनस वैसे मैंने क्लास में क्या बताया, इसका एक रूट बेटे पॉजिटिव होता है, एक बेटे नेगेटिव होता है, और इसमें बेटे जो भी इसको आपने स्प्लिट करना है किसी ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना होता है कि जिसको माइनस करके बेटे ये वैल्यू बने, क्लियर। ये भी बेटे मैंने बता रखा क्लास में। अब देखो, बट मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा, सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट बेटे आपको डायरेक्ट बताता जाऊँगा। देखो इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये देखो, वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स जीरो, बिकॉज बेटे फोर थ्री का ट्वेल्व भी बनना चाहिए और प्लस माइनस करके ये माइनस वाई भी बनना चाहिए था। अब देखो वाई को मैंने कहा तो वाई माइनस फोर प्लस थ्री, तो ये भी बेटे क्या होगा, वाई माइनस फोर इक्वल्स जीरो। इसके बेटे रूट क्या बन गया आपके, वाई माइनस फोर वाई प्लस थ्री इक्वल्स जीरो, तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई फोर और बेटे क्या आ गई माइनस थ्री। देखो इसमें आ गई, अभी तक बेटे यहीं पर होल्ड करो, क्लियर। इसको भी बेटे एक बार मैं समझा देता हूँ। अब देखो इसको भी कुछ स्प्लिट करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो, एक्स कॉमन निकालोगे एक्स माइनस एट प्लस टू कॉमन निकालोगे तो ये, तो बेटे इसमें भी आपके पास एक्स माइनस एट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो मेरे पास बेटे क्या आ गया, एक्स के रूट आ गए प्लस एट और माइनस टू। हो बेटे आपको इतना क्लियर हो गया कि मैंने इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन कैसे बनाई है, और बेटे इसके बाद आपको ये तो बेटे सभी को अंडरस्टूड ही है कि मैंने कैसे फाइंड करा। अब देखो इट डजंट मीन कि भाई अगर आपसे वो ये पूछता, अगर बेटे आपसे वो ये ना पूछता कि ऑप्शन वगैरह, ये ना पूछता कि कंपेयर करना है, सिंपल आपको ये क्वेश्चन देता और आपसे पूछता इसके रूट क्या है, तो इसके रूट बेटे ये नहीं है एट अंडर एट माइनस टू, इसके रूट जो भी आपने फाइंड अभी करे हैं, क्लियर। मेरे पास बेटे स्पेस कम है तो मैं कोशिश करूंगा इसको बेटे यहाँ पे लिखने की, इस वाली वैल्यू को, जो इस इक्वेशन के एक्चुअल में जो रूट है वो क्या है। मैंने बेटे क्या रिमूव करा था, मैंने अंडर रूट थ्री रिमूव कर दिया था। अब बेटे आपने क्या करना है, जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो बेटे क्या होंगे, मैं लिख देता हूँ एट अंडर रूट थ्री और साथ में बेटे क्या माइनस टू अंडर रूट थ्री, ये बेटे इसके एक्चुअल में इस इक्वेशन के ये रूट आएंगे, क्लियर। और इस वाली इक्वेशन के बेटे क्या रूट आएंगे, मैं यहाँ पे बेटे लिख देता हूँ, इस वाली इक्वेशन के जो एक्चुअल रूट होंगे, बस बेटे इसमें कौन सा एलिमिनेट किया था हमने, हमने रिमूव किया था, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, हमने रिमूव किया था अंडर रूट टू, इसमें बेटे रिमूव किया था हमने अंडर रूट थ्री करा था, तो इसमें बेटे क्या रूट बनेंगे, जो रिमूव बेटे किया था वो साथ में बेटे लगा देना, वो आपका एक्चुअल रूट बन जाएंगे, क्लियर। अब देखो भाई इन दोनों को, इन वैल्यू को कंपेयर करना तो बड़ा इजी होता है, आपको पता है, क्लियर। अब बेटे देखो जिनके साथ अंडर रूट थ्री है, अब मैं इनको कैसे कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि इनमें से मेरा कौन सा रिजल्ट है, वो बेटे समझना, वेरी वेरी इजी। देखो डायरेक्ट बेटे शॉर्टकट है, कुछ भी नहीं बेटे आपने करना, आपने जो भी था बेटे अब इनको नहीं कंपेयर करना, आपने जो भी ये लिखा मैंने फोर अंडर रूट थ्री अंडर रूट, इनको बेटे बिल्कुल कंपेयर नहीं करना। सिंपल बेटे आपने किन वैल्यू को कंपेयर कर लेना है, आपने बेटे इन्हीं वैल्यू को आपस में बेटे कंपेयर कर लेना है, और इसी से बेटे आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट होगा जो बेटे इन वैल्यू से आपका रिजल्ट आना था, चाहे बेटे आप कैलकुलेट करके देख लेना, गारंटीड है, क्लियर है। अब देखो कैसे, एक साइड पे बेटे मैं एक्स लिखने जा रहा हूँ, एक साइड पे बेटे मैं वाई लिखूंगा। सबसे पहले बेटे एक्स की वैल्यू कोई भी उठाओ, एक्स की वैल्यू अगर एट में उठाता हूँ, अब देखो मैंने एट को रखा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं 8 को 4 के साथ कंपेयर करता हूँ, y की वैल्यू 4, कौन बड़ा बेटे, 8 बड़ा, ठीक है, मुझे पता लग गया x ग्रेटर देन y है। अब इसी 8 को माइनस 3 से भी करना है, तो मुझे ये भी पता लग गया 8 ऑलवेज ग्रेटर देन बेटे माइनस 3, क्योंकि 4 पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू। अब उसके बाद बेटे कौन सी वैल्यू पे आ जाओ, माइनस 2, x की बेटे माइनस 2, माइनस 2 देखो बेटे 4 है, यहाँ पे 4 था, तो बेटे ये क्या हो गया, उल्टा हो गया काम बेटे। देखो दो वैल्यू बेटे ग्रेटर आ गई है, एक वैल्यू बेटे क्या होगी, लेसर होगी है। तो इसके बाद मैं आपको भी बता तो देता हूँ, माइनस टू को अगेन बेटे जब आपने माइनस थ्री से करा तो ये बेटे फिर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अब जब बेटे ये वाला केस हो जाए, ध्यान बेटे देना, अब लेट्स सपोज आपने स्टार्ट करा, दो एक बेटे ग्रेटर आया था, अगर इन केस एक बेटे क्या हो गया, अगर लेस हो गया, तो आपको बेटे बाकी के फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है,
ठीक है, नो नीड टू फाइंड एनी काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर आपको बेटे ये पता लग गया कि भाई एक अगर ग्रेटर है दूसरा बेटे लेस हो गया, तो बाकी के आपको फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी बेटे ऐसा केस बनता है कि कुछ ग्रेटर वाले साइन हो गए और एक बेटे लेसर वाला साइन हो गया, तो बेटे इस केस में आप ऑलवेज बेटे कौन सी ऑप्शन मार्क करते हो, फिफ्थ ऑप्शन मार्क करते हो, कैन नॉट बी डिटर्मिन बेटे। क्लियर हो बेटे आपको ये सारा पता लग गया होगा, क्लियर, नो डाउट बेटे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्लियर, बट आने वाले क्वेश्चंस में बेटे आपको सारा क्लियर होता जाएगा। वीडियो को बेटे पॉज करो, इतना बेटे नोट करो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ, आप इतना बेटे नोट करो। ओके गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मैंने स्क्रीन पे बेटे लिख दिया ऑलरेडी, तो बेटे देखो इसको बेटे ट्राई करो पहले अपने आप, अगर आपने करा तो बेटे आप सॉल्यूशन मैच करो क्या है। देखो बेटे, अब बेटे मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे स्टेप ना लिखूं, तो मैं डायरेक्ट बेटे आपको बताता जाऊं। देखो सबसे पहला काम बेटे क्या करना है, 42 इंटू 1 क्या बेटे, ये तो क्या था भाई -42, ये क्लियर। अब इस 42 को जब आप √3 से बेटे डिवाइड करोगे, तो देखो स्प्लिट करना बेटे आपको आना चाहिए, ये क्या है बेटे 42 बेटे कब बनता है, सोचो बेटे 42 के टेबल पे 3 बेटे कब आता है, 14 × 3 बेटे होता ना, ये 14 × 3 डिवाइड बाय √3, तो ये क्या बचेगा बेटे 14 × √3 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, इलिमिनेट करना बेटे √3 अब इक्वेशन में से, x² + 5x माइनस, अब 42 की जगह बेटे क्या लिखूंगा 14 = 0, इसके बेटे रूट प्लस माइनस मैं डायरेक्ट बेटे लिखूंगा, एक बार आपको मैंने बता रखा हुआ है। अब इसके बेटे रूट बनेंगे 7 और 2, ठीक है, अब 7 और 2 रूट है, ठीक है, तो इसमें से बेटे आपको पता है कि बड़े वाला माइनस होता है, छोटे वाला बेटे क्या होता है पॉजिटिव, बट ये मेरे एक्चुअल रूट नहीं है, मेरे एक्चुअल रूट बेटे कौन से होने थे, जो मेरे एक्चुअल रूट हैं वो बच्चे कौन से होने हैं, उसके साथ बेटे मैंने √3 लगाना है, तो जो एक्चुअल रूट है वो है -7 √3 2 √3, ये बेटे मैंने लिखा, क्लियर। अब मैं इस पे आता हूँ, इसमें बेटे पहला काम 30 × 1 किया, तो ये बेटे 30 बना, उसके बाद 30 को डिवाइड करा √2 के साथ, तो ये बेटे 15 × 2 √2, तो ये क्या बन गया बेटे 15 √2। अब इसमें आपने रिमूव करना है √2 सारी इक्वेशन में से, तो बेटे जो नई इक्वेशन बनेगी y² - 8y + 30 की जगह बेटे क्या लगाना, 15 लगाना, इक्वल्स बेटे क्या 0, माइनस प्लस हो तो दोनों रूट बेटे क्या होते हैं पॉजिटिव, और बेटे इसको ऐसे नंबर में स्प्लिट करना होता है कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो 15 बने बट जिनको ऐड करके बेटे 8 बने, तो वो कौन से नंबर है बेटे 5 और 3, तो मुझे पता लग गया ये रूट, और एक्चुअल रूट बेटे क्या होंगे, एक्चुअल रूट बेटे होंगे आपके पास 5 √2 3 √2। अब देखो भाई इजीली फाइंड रूट फाइंड करने में देखो हार्डली बेटे आपको समझाने में 30-40 सेकंड लगे, क्लियर, तो अगर बेटे आप खुद करोगे तो बड़ी इजी बेटे आपके आंसर बनते जाएंगे। अब देखो मैंने जब कंपेयर करना है एक्स वाई को, तो मैंने इन वैल्यू को नहीं कंपेयर करना जो लिखी मैंने एक्चुअल में, तो मैंने उन वैल्यू को करना जो मेरी पहले फाइंड थी। सबसे पहले देखो -7 दो बार लिखूं, पहले -7 को +5 से, फिर बेटे +3 से, देखो बेटे दोनों बार वाई बेटे क्या है ग्रेटर है। अब बेटे देखो 2 को दोनों से करते हैं, देखो 2 भाई किसके साथ भाई, सबसे पहले 5 के साथ, फिर बेटे 3 के साथ, ये भी दोनों केस में बेटे क्या है बड़ा, तो देखो सारे के सारे साइन ग्रेटर देन है, सारे के सारे y की ओर साइड पे, क्लियर, तो इसमें तो साफ साफ पता लग रहा कौन सी ऑप्शन बेटे होगी। देखो कौन सी ऑप्शन है, y ग्रेटर देन x बेटे, ए ऑप्शन बेटे इसमें आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका बेटे आंसर होगा क्या बेटे, x लेस देन y बेटे। होप आपको बेटे समझ लग गया होगा कंसेप्ट, अब बेटे आपके आगे के क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होते जाएंगे। वीडियो को पॉज करो बेटे, इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटे मूव करता हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। देखो बेटे डायरेक्ट ये तो बेटे ऊपर 24 को √2 से बेटे डिवाइड करोगे, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं बेटे क्या होगा 12 √2, रिमूव √2 अब सारी इक्वेशन में से, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी x² - x, 24 के जगह बेटे क्या लिखेंगे सिर्फ 12 लिखेंगे, एक इक्वेशन तो बेटे ये बन गई, इसके बेटे रूट बेटे बनेंगे 4 और 3,
माइनस और माइनस बटे एक रूट प्लस का एक माइनस का बड़े वाले के साथ प्लस छोटे वाले के साथ क्या माइनस, तो इसके एक्चुअल रूट बेटे क्या होंगे, फोर अंडर रूट टू माइनस थ्री अंडर रूट टू। देखो हार्डली बेटे 10-15 सेकेंड इस पे बेटे मूव करते हैं, तो 45, तो 45 को जब मैं बेटे रूट थ्री से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बेटे जो रिमेनिंग आएगा वो क्या होगा, 15 रूट थ्री। तो बेटे रिमूव अंडर रूट थ्री फ्रॉम ऑल इक्वेशन, तो बेटे क्या बना वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब 45 की जगह बेटे 15 यूज करेंगे, तो देखो बेटे माइनस प्लस हो तो दोनों रूट बेटे प्लस होते हैं, और बेटे देखो मल्टीप्लाई करके 15 प्लस माइनस करके 8, तो बेटे क्या बनेगा 5 और 3 बोथ आर पॉजिटिव, बट इसके एक्चुअल रूट बेटे क्या होंगे, जो मैंने इलिमिनेट किया था वो मैं साथ में लगा देता हूँ, 5 अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 3। अब बेटे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं बेटे 4 को बेटे इससे कंपेयर करना एक बार 5 से एक बार 3 से, देखना बेटे अब डायरेक्टली बेटे रिजल्ट पता लगने लगा। बेटे 4 देखो 5 से बेटे क्या था छोटा, तो y बड़ा था, बट अगले केस में देखो 4 3 से बेटे क्या हो गया ग्रेटर। तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर बेटे एक साइन ग्रेटर और एक बेटे लेस आ जाए तो अगली वैल्यू आपको चेक करने की जरूरत तक नहीं है, डायरेक्ट बेटे कौन सी ऑप्शन मार्क करो, ऑप्शन 5 कैन नॉट बी डिटरमाइंड बेटे, क्लियर है। तो इस बेस पे बेटे इस स्पीड से अपने एग्जाम में अपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इसको नोट करो बेटे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करता हूँ। हेलो गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें थोड़ा सा कोई डाउट था, तो इसलिए बेटे मैंने उस क्वेश्चन को स्किप करा, मैं उसकी अलग से वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, अगर मेरे से वो हो पाएगा तो मैं देख लूंगा उसमें बेटे गलती क्या थी। तो अब बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटे मूव करते हैं, ये उससे भी बेटे इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटे सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं, काम पहला वही है कि आपने इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया 2 × 2 अंडर रूट 13 बेटे क्या बन गया, ये देखो मीन्स कि मल्टीप्लाई करके 4√13 बनना चाहिए और ऐड करके बेटे क्या बनना चाहिए 4+√13। देखो सेम मिल तो गए मुझे, दोनों नंबर मिल गए मेरे, एक था बेटे 4 एक था बेटे क्या अंडर रूट 3। मुझे पता है माइनस प्लस हो तो दोनों रूट बेटे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं बेटे, ठीक है। अगर बेटे आप स्टैंडर्ड से करोगे भी बड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्ट बेटे इस चीज़ को समझो कि 2 × 2 √3 करके बेटे क्या बना था, मल्टीप्लाई करके कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो 4√13 बनना चाहिए था, और जब बेटे उनको आप ऐड करो तो बेटे क्या बनना चाहिए था 4+√3। तो बेटे यही तो दो नंबर है 4 और √3, ठीक है। अब देखो 4√3, अब ये मेरे रूट ही है अभी तक बेटे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपने बेटे अगर बेसिक क्लास नहीं लगाई तो बेसिक क्लास लगा के देखना, जो भी आपके फाइनल रूट बनते हैं वो क्या आते हैं डिनोमिनेटर। अभी तक बेटे क्या था कि जो ये वेरिएबल था एक्सप्रेस इसके साथ बेटे जो कॉन्स्टेंट था वो 1 था, उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब देखो बेटे, अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर के साथ बेटे क्या है 2, तो मैं 2 से बेटे दोनों को क्या करूँगा डिवाइड बेटे करूँगा, ठीक है। तो ये तो बन गया बेटे प्लस 2। अब देखो ये अंडर रूट 13 नियर बाय होता 3.6, तो 3.6 डिवाइड बाय 2 बेटे क्या बनेगा 1.8। तो मुझे इस वाली इक्वेशन के दो रूट पता लग गया प्लस 2 और 1.8, क्लियर भाई। अब बेटे इस पे मूव करते हैं, सबसे पहले बेटे इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो 10 × 9 अंडर रूट 13, ये बेटे क्या हो गया, ठीक है। इसको बेटे मैं स्प्लिट कर सकता हूँ ऐसे, देखना 90 अंडर रूट 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18 × देखो कोई गलती तो नहीं है, मैंने 90 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 18 × 5 × √13, कोई गलती तो नहीं है। तो ये बेटे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे बेटे ये क्या दे रखा था इस फॉर्म में दे रखा था, तो मुझे दोनों पता लगे एक है बेटे 18 एक है बेटे 5 √13, दोनों बेटे प्लस के क्योंकि ये माइनस प्लस है। अब देखो ये आंसर नहीं है, इन दोनों को डिवाइड किसे करना था 10 से, जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा ये तो बन गया अभी प्लस 1.8, तो ये बेटे था 3.6/2, तो ये भी बेटे क्या बन गया 1.8, तो ये बोथ आर बेटे सेम रूट। अब बेटे क्या करना है, अब बेटे कंपेयर करना है, क्लियर। तो बेटे कंपेयर करेंगे x की बेटे पहली वैल्यू 2 को बेटे इन वैल्यू से कंपेयर करो, दोनों बार बेटे x क्या है ग्रेटर। अब देखो x की सेकंड वैल्यू इसको भी इन दोनों से करना था, और ये बेटे क्या होगी दोनों इक्वल,
अब देखो दो ग्रेटर हैं और दो ही बेटे इक्वल हैं, अगर इन केस तीन ग्रेटर होते एक इक्वल होता ना, फिर भी बेटे आपने क्या लगाना था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बेटे क्या लगाना था वाई, कौन सी ऑप्शन बेटे, फोर्थ ऑप्शन बेटे आपने मार्क करनी है, क्लियर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का बेटे कौन सा आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन बेटे फोर्थ आपकी आंसर बनेगी, क्या भाई एक्स ग्रेटर भी है और इक्वल भी है बेटे किसके, वाई के। तो मैं लिख दूं यहाँ पे आपका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, क्लियर। इतना बेटे नोट करो, मैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सिक्स पे मूव करता हूँ। ओके बेटे, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसे बेटे ट्राई करते हैं अपने बिहाफ पे बेटे, पहले ट्राई करना उसके बाद बेटे सॉल्यूशन मैच करते हैं। देखो बेटे सबसे पहले तो बेटे वही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या हुई, क्लियर। इसको बेटे अगर मैंने स्प्लिट करना हो, इस फॉर्म में लेके आना हो, तो बेटे मैं क्या करूँगा, ये बेटे अंदर देखो 4 × 7 ही था तभी 28 था, तो 4 बेटे बाहर आके बेटे क्या बन जाएगा, 4 × 7 देखो कुछ वही बन गया सीरीज जो मैंने लिखा हुआ था, क्लियर। अब देखो प्लस माइनस हो तो मुझे पता है कि रूट भी बेटे क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, एक प्लस का होता है एक बेटे क्या होता है माइनस का। अब इसमें प्लस बेटे किसके साथ लगता है, जो छोटे वाला बेटे होता है, तो बेटे अंडर रूट 7 तो हमें पता है अंडरस्टूड है 4 से छोटा होगा, तो दूसरा बेटे क्या था 4। अब देखो ये आंसर नहीं है, अब इन दोनों को बेटे डिवाइड करना जो भी एक्स स्क्वायर के साथ, तो फिर एंड होगा 1, तो बेटे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस केस में तो बेटे 2 रूट आ गए, अंडर रूट 7 और -4, क्लियर बेटे इतना क्लियर। नेक्स्ट बेटे इस पे आते हैं, तो इसको बेटे जब आपने किया अंडर रूट 3 × 6 अंडर रूट 7 जब मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया बेटे, अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 बेटे क्या बन गया 21, क्लियर। क्यों बेटे मैंने ऐसा बनाया, क्योंकि मुझे यही चाहिए था 6 और 21, अंडरस्टूड। अब देखो जी 2 रूट बेटे बन गए 6 और अंडर रूट 21, अब देखो इनमें से बड़ा कौन है बेटे, बड़ा 6 है, अंडर रूट 21 ऑब्वियसली अंडरस्टूड है छोटा होगा। अब देखो 6 माइनस माइनस हो बेटे, तो एक प्लस को ना एक माइनस होना है, तो बेटे अब इसमें प्लस लगता है लार्जर वैल्यू के साथ और माइनस लगता है बेटे स्मॉलर वैल्यू के साथ। मैं बार बार बेटे बोल रहा हूँ, ये मैंने क्लास ऑलरेडी बेटे ले चुका हूँ, आप बेटे देख लेना, जिन्होंने ऑफलाइन मेरी क्लास लगाई होगी उनको पता लग रहा होगा कि बेटे ये मैं क्या बोलूँगा, क्लियर। अब देखो इसके बेटे देखो ये रूट भी, इसको बेटे अंडर रूट 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटे इसको अंडर रूट 3 से अगर डिवाइड करते हो आप, तो बेटे आपका क्या रिजल्ट बनेगा इसका, तो इसको तो बेटे आप ऑब्वियसली बेटे मैंने बोला कि जहाँ पे अंडर रूट 3 वगैरह समथिंग चल रहे हैं उसको बेटे वही कंसिडर कर लिया करो, तो ये तो बेटे 6 ही रहने दो इसको। अब इसको देखो बेटे, तो इसको ऐसे भी तो कर ही सकते हो, तो ये बेटे क्या हो गया अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 बेटे क्या होता है, अंडर रूट 7 बेटे होता है 2.6 के नियर बाय, क्लियर। मैंने अंडर रूट 3 को बेटे स्किप किया था, क्लियर, क्योंकि मैं उनमें भी बेटे मल्टीप्लिकेशन पे भी करता आ रहा था, मैंने डिवीजन पे भी स्किप कर दिया। अब देखो आपके पास y की ये दो वैल्यू, x की बेटे ये वैल्यू कंपेयर करते हैं, देखो इसको बेटे लिख लेता हूँ 2.6 और ये माइनस, क्लियर। अब देखना 2.6 को इससे कंपेयर करते हैं, +6 + 6 बेटे दोनों बार x क्या हो गया, सॉरी ये देखो मैंने क्या बोला था भाई, अगर एक ग्रेटर और एक लेस आ जाए आपको सेकंड वैल्यू बेटे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो ग्रेटर है कि लेस है, तो इस केस में बेटे आप क्या आंसर मार्क करते हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बेटे मार्क करते हो, वो बेटे आपको ये आज का जो क्विज था, मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए, टोटल 6 थे, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे उसमें कोई मुझे मिस्टेक लग रही है, तो दैट वाई बेटे उसको मैंने स्किप किया, तो बाकी के बेटे 5 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगर इनमें से बेटे कोई भी डाउट होगा मुझे पर्सनली बेटे मैसेज कर देना या व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना, मैं उसमें बेटे आपको दोबारा बता दूंगा, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।